तो ये बिल्कुल लग रही है ना होटलों वाली भिंडी भरवा की रेसिपी फ्रेंड्स, देख के तो मुँह में पानी आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन एंड रूम आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 10 से 12 भिंडी लिए हैं और ये मीडियम साइज़ की भिंडी है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो भिंडी को हम इस प्रकार से उसके डंठल को काट लेंगे और पीछे वाले भाग को भी, इसके पतले वाले भाग को भी कट करके निकाल लेंगे। तो हमने सारे भिंडी को इसी तरीके से कट करके निकाला है। तो ये देखिए, तो अब हम इसमें चीरा लगाएंगे फ्रेंड्स। तो चीरा हम इस प्रकार से इसे लगाएंगे, बस केवल बीच में चीरा लगाना है, दोनों साइड बिल्कुल छोड़ देना है। तो इसी प्रकार से हमने सारे भिंडी को इस प्रकार से कट कर लिया है और दोनों के किनारे को हमने बिल्कुल नहीं काटा है, केवल बीच में इस प्रकार से इसमें कट लगाया है ताकि इसमें जो मसाले बनाएंगे वो इसमें बैठेंगे अच्छे से। तो हमने सारे भिंडी को इसी प्रकार से कट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे फ्रेंड्स। तो मसाले के लिए हमने हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच से कम काला नमक और ये जलजीरा पाउडर, आप इसके जगह आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब्जी मसाला हमने 1.5 चम्मच लिया है, और ये हमने लहसुन कटा हुआ 2 चम्मच, इसी चम्मच से लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियां, और ये आधी चम्मच सरसों तेल। तो थोड़ी सी हम पानी डाल के इसे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी सी पानी मात्र डालेंगे ताकि ये जो अच्छे से मसाला जो है हमारा सूखा ना रहे, थोड़ी सी गीली हो जाए इस प्रकार से। तो चाकू से मिलाने के बाद हम इस प्रकार से फिर हाथों से मिला लेंगे इसे अच्छे से मैश करके। तो ये देखिए हमारा मसाला लगभग तैयार है बनके फ्रेंड्स। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे, तो इसी मसाले बनाने का ही कलाकारी इसमें फ्रेंड्स। तो मसाला इस प्रकार से आप डालेंगे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस प्रकार से हम भिंडी को बीच में उंगली डाल के इस प्रकार से इसे इसमें फिलिंग भरेंगे। तो देखिए कितना आसान है ये भरना। तो इसी प्रकार से थोड़ी सी प्रेस करके भरें ताकि अंदर तक ये जो मसाले हैं थोड़े चले जाएं, और उसके बाद भिंडी को कुछ इस प्रकार से हमें प्रेस करके और इधर साइड से भी प्रेस कर देंगे ताकि जो बाहर में मसाले होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये देखिए कितना बड़ा, कितना बढ़िया हमारा ये फिलिंग भरा है, तो है ना बिल्कुल लाजवाब। तो इसी प्रकार से हमने दूसरे भिंडी को भी हम इस प्रकार से भर के आपको दिखा देते हैं। तो उसमें भी हम इसी प्रकार से सेम प्रोसेस से बारी बारी से हम इसे हाथों पे उंगलियों के सहारे इस प्रकार से प्रेस करके इसमें भरेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी भर सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये भरा जाता है। तो इसी प्रकार से हमने हाथों से ही हमने प्रेस करके इसे भरा है। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधी चम्मच से भी कम प्रत्येक भिंडी में मसाले डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये मसाला बन के तैयार हुआ। जितनी मात्रा हमने मसाले का लिया फ्रेंड्स, आप भी इसी मात्रा में लें। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारा भिंडी में हमने फिलिंग भर लिया है ये मसाले। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें 2 चम्मच तेल लिया हमने फ्रेंड्स, और फ्राई पैन को हमने हीट कर लिया है, और बारी बारी से हम इस प्रकार से इसे रखते जाएंगे तेल में। तो इसी प्रकार से हमने सारे भिंडी को फ्राई पैन में डाल लिया। आप चाहे तो इसे तवा पे भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कढ़ाई में भी कम तेल में कम मात्रा दे दे के कर सकते हैं इसे। तो हमने आधी इसे कवर करके पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पक रहा है। इसको पूरा कवर करके नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसमें जो इसमें नमी जो है इसका पूरा गीलापन हो जाएगा पकाने के समय, ये फ्राई नहीं होगा अच्छे से। तो इसी प्रकार से आप धीरे धीरे इसे पलटी करते रहें और 1 से 2 बार इसे कवर करके पकाएंगे, आधा कवर करके। तो फिर से हमने कवर कर दिया फ्रेंड्स और ढक्कन हटा के फिर से हम थोड़ी सी इस प्रकार से इसे पलट दिए हैं ताकि हमारा जो भिंडी है चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो सके। और फ्लेम को ज़्यादा नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, लो टू मीडियम पर रखेंगे ताकि ये धीरे धीरे पके। तो थोड़ी सी तेल हमारी ज़्यादा जल गई है, तो थोड़ी सी और हमने
आधी चम्मच के आसपास तेल इसमें डाला है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा पक रहा है फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। और कोई गेस्ट आ जाए तो ये आप 10 से 12 मिनट में बना सकते हैं फ्रेंड्स। और ऊपर से हमने ये भिंडी पकने के बाद थोड़ी सी नमक डाला है, ताकि जो भिंडी में हमने नमक डाला नहीं था तो भिंडी के ऊपर जो कोटिंग हो जाएगी नमक की, तो ये बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद एक जैसा हो जाएगा। मसाले में तो हमने डाला है लेकिन भिंडी पे तो हमने नहीं लगाया, तो इसीलिए भिंडी पे हल्के मात्रा में थोड़े से हमने छीट दिए इस पे नमक। तो ये फाइनली हमारा ये देखिए भिंडी लगभग पक गया है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये और आसान तरीके से भिंडी हमारा पक गया है। तो ये लगभग हमारा भिंडी भरवा की रेसिपी बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हमने इसे चिमटे का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये भरवा भिंडी की रेसिपी बनके तैयार है। देखिए कितना इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है और मसाले भी कितने अच्छे तरीके से पके हैं, ये आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा। तो आप भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।